नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, जो जो सत्तू खाए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो नहीं खाए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उसको शेयर भी करना है। और आप लोग जो जो खाए हैं वो लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि सत्तू खाने में कैसा लगता है, और जो नहीं खाए हैं वो भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग खाने वाले हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आज हमारे घर में मम्मी चना मक्का और गेहूं का ज़बरदस्त सत्तू बनाएगा दोस्तों, क्योंकि सत्तू सुबह सुबह नाश्ता करने में बहुत अच्छा रहता है। और सत्तू खाने के फायदे ये हैं कि इसमें कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। सत्तू खाने से पेट में कोई बीमारी नहीं होगा, ना कब्ज होगा, ना गैस्ट्रिक होगा, ना ही और कुछ होगा। और सुबह सुबह खा लीजिएगा तो आप लोगों को दिन भर भूख का एहसास नहीं होगा। भले ही पानी प्यास लगेगा लेकिन भूख का एहसास नहीं होगा, और आप लोग को पानी बराबर पीते रहना है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके घर में सत्तू बनता है और किसके घर में नहीं बनता है। आप लोग बाज़ार में सत्तू का शरबत भी खाए होंगे, बाज़ार में सत्तू अगर शरबत बना के जो बेचता है उसे पिए होंगे तो आप लोग को भली भांति पसंद होगा कि इसका स्वाद कितना ज़बरदस्त होता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इसको जानता है बहुत अच्छी तरह से, मतलब धो धा के सुखा के इसको सत्तू को बनाया जा रहा है, क्योंकि गाँव घर में ही मतलब कि शुद्ध सत्तू मिलेगा। कोई भी चीज़ गाँव घर में शुद्ध मिलेगा, और मार्केट में आपको शुद्ध नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अभी देखिए चना को भून रहा है। तो दोस्तों, चना सबको भूनने के बाद इसको चक्की के पास ले जाके मिल में ले जाके पिसाया जाएगा, उसके बाद हम लोग रोज़ सुबह सुबह नाश्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके।